भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के लिए भाई ये वक्त बड़ा ही खुशनुमा है। आज पवन सिंह जमकर पार्टी करेंगे, जमकर धमाल करेंगे, जमकर मस्ती करेंगे, क्योंकि उनका गाना भाई कमरिया जो होली सॉन्ग है वो यूट्यूब में ट्रेंडिंग वन पे चल रहा है। जी हाँ, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि पवन सिंह का ये गाना तकरीबन 6 महीने बाद पवन सिंह का कोई गाना यूट्यूब के ट्रेंडिंग वन पर आया है, वो भी डायरेक्ट रिलीज होते ही। जी हाँ, बहुत ही बड़ी बात, 5 घंटे में 3.5 मिलियन व्यूज हासिल किए हैं इस गाने ने, और इस गाने ने जो धमाल मचाया है, इसकी धमाल की, इसकी तारीफ करते हुए, इस गाने की तारीफ करते हुए हम ये कह सकते हैं पवन सिंह ने इतिहास रचा है। अभी तो सिर्फ 5 घंटे बीते हैं, हम फिर से कह रहे हैं कि अभी पूरा दिन बाकी है, 24 घंटे बाकी हैं, देखते हैं कि ये गाना कितना व्यूज हासिल करता है। अगर ये गाना एक दिन में 8 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री का ये एकमात्र गाना होगा जिसने सबसे ज़्यादा व्यूज़ हासिल किया है एक दिन में। वैसे भी इस गाने ने ये कीर्तिमान स्थापित कर ही लिया है, इस गाने ने एक दिन में इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसे कहते वक्त गर्व महसूस हो रहा है। गाने की क्वालिटी से लेके हर एक चीज़ की तारीफ हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर कहेंगे ये गाना नंबर 1 ट्रेंडिंग पे है तो भाई ये नंबर 1 कहलाने के लायक है। लोग ट्रेंडिंग जब सर्च करेंगे तो पवन सिंह का ये गाना ज़रूर देख रहे होंगे और सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में पवन सिंह ने कदम रख दिया है। भाई अपने करियर के इतने लंबे दौर के बाद पवन सिंह ने जो कदम उठाया है बड़ा ही सराहनीय है। सभी को ये लगता था कि पवन सिंह को कई साल पहले आ जाना चाहिए था, कई साल पहले हिंदी गाने गाने शुरू कर देना चाहिए था, हिंदी में एल्बमों को लाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और सही बात है, ये कहावत पवन सिंह पे परफेक्ट लागू होती है। तो भाई पवन सिंह के फैंस, होली मनाइए, अभी से होली मनाइए, होली के हुड़दंग में खो जाइए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।